हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नोबेल प्राइज विनर 2023 के बारे में, और आज इस वीडियो के अंदर हम इसके टॉप एमसीक्यूज करेंगे। अगर आप JKSSP SSC CGL या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी एग्जाम्स के अंदर आपको नोबेल प्राइज के रिलेटेड जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा, फर्स्ट नोबेल प्राइज जो है कौन से साल दिया गया था। ठीक है, तो 1901, 1902, 1903 या 1904। तो पहला जो नोबेल प्राइज दिया गया था, ये दिया गया था 1901 को। ठीक है, तो आंसर आपका ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला नोबेल प्राइज विनर बताना फिजिक्स के अंदर जिसको नोबेल प्राइज दिया गया था, W. रोटेंजन, जॉन क्लॉसर्स, जिम पेबल्स या अल्बर्ट फर्ट। तो थोड़े से मैं यहाँ पे स्टैटिक पार्ट को कवर कर रहा हूँ, तो जहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताते जाइएगा। तो पहला नोबेल प्राइज जिनको फिजिक्स के अंदर दिया गया, ये आंसर आपका बनेगा ए, यानी कि विलियम रोटेंजन को जो पहला नोबेल प्राइज दिया गया फिजिक्स के अंदर। तो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, नोबेल प्राइज जिनको दिया गया 1901 को, ठीक है, तो विलियम रोटेंजन को जो फिजिक्स के अंदर दिया गया, इन्होंने क्या डिस्कवर किया गया था, एक्सरे इन्होंने डिस्कवर किया था 1895 के अंदर। ठीक है, हु रिसीव द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1901। और भी कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज इन्होंने की थी यूजिंग एक्सरेज, और जी जो पेनिट्रेटिंग रेज आर आल्सो यूज्ड इन मेनी एप्लीकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला नोबेल प्राइज दिया गया था केमिस्ट्री की फील्ड में। ठीक है, तो जी किसको मिला था, कॉल वेरी शार्पलेस को, जैकोबस हेनरिक्स, बैन हॉफ को, पीटर एग्रे को या डेविड मैकमिलन को। सो आंसर आपका जहाँ पे बनेगा बी, बी यानी कि जैकोबस हेनरिक्स बैन हॉफ, जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था पहला किसमें, केमिस्ट्री की फील्ड में। ठीक है, तो आंसर आपका जहाँ पे बी बनेगा। तो जहाँ पे देख सकते हैं इनको केमिस्ट्री की फील्ड में 1901 को जो नोबेल प्राइज दिया गया था, जी कहाँ के थे, नीदरलैंड्स के थे, फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ द लॉस ऑफ केमिकल डायनेमिक एंड ऑस्मोटिक प्रेशर्स इन सोल्यूशन। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1900 ये आपका जहाँ पे रहेगा आंसर, आपका यहाँ पे आंसर बी। ठीक, सो आंसर आपका जहाँ पे बनेगा आंसर बी, जैकोबस हेनरिक्स बैन हॉफ। ठीक है, तो जहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट है वर्ड प्रोनाउंसिएशन में, सो आंसर आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ पे पूछा गया, पहला नोबेल प्राइज जिनको मेडिसिन या फिजियोलॉजी की फील्ड में दिया गया, जहाँ पे ऑप्शन आपके सबंता पावो, डेविड जूलियस, जेफरी सी हॉल या एमिल वॉन वेहरिंग। सो आंसर आपका क्या बनेगा जहाँ पे, फोर का आंसर आपका बनेगा जहाँ पे डी। ठीक है, तो ई वॉन वेहरिंग को जो है पहला नोबेल प्राइज दिया गया था मेडिसिन या फिजियोलॉजी की फील्ड में। सो आंसर आपका जहाँ पे फोर का बनेगा डी। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं इनको अवार्डेड जो नोबेल प्राइज दिया गया था, जी 1901 को दिया गया था। ठीक है, जर्मन फिजियोलॉजिस्ट एमिल वॉन वेहरिंग फॉर हिज वर्क ऑन सीरम थेरेपी एंड द डेवलपमेंट ऑफ ए वैक्सीन अगेंस्ट डिप्थेरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला नोबेल प्राइज इनको लिटरेचर की फील्ड में दिया गया था, इसका आपने इनका अपने नेम बताना है, एनी अर्नॉक्स, पीटर हैंडके, सोले प्रधुम या नानातीस। सो फाइव का आंसर क्या बनेगा, फाइव का आंसर आपका जहाँ पे सी बनेगा, सी यानी कि जहाँ पे सोले प्रधुम जो इसका राइट आंसर है, जिनको पहला नोबेल प्राइज दिया गया था लिटरेचर की फील्ड में। नेक्स्ट बात करेंगे, जहाँ पे 1901 को इनको नोबेल प्राइज दिया गया था सोले प्रधुम को, ठीक है, 1839 से लेकर 1907 वाज द फर्स्ट पर्सन टू बी अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, स्पेशल रिकॉग्निशन ऑफ इस पोइटिक कंपोजिशन हो गया, विच गिव्स एविडेंस ऑफ लॉफ्टी आइडियलिज्म, आर्टिस्टिक परफेक्शंस, ठीक है, और रेयर कॉम्बिनेशन हो गया बोथ हर्ट एंड इंटेलेक्ट का। अब नेक्स्ट जहाँ पे बात करेंगे, पहला नोबेल प्राइज इनको दिया गया था फिजिक्स की फीस की फील्ड में। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपका स्टैटिक जीके का पार्ट आ गया, हेनरी दुतांत को, मारिया रेसा को, नदिया मुराद को या नानातीस। तो पहला नोबेल प्राइज जो पीस की फील्ड में दिया गया था, ये दिया गया था, आंसर ए आपका बनेगा, आंसर ए यानी कि यहाँ पे बनेगा हेनरी दुतांत को, जो है दुनांत को जो पहला नोबेल प्राइज दिया गया था पीस की फील्ड में। आप जहाँ पे देख सकते हैं जी, सिर्फ इनको नोबेल प्राइज नहीं मिला था 1901 को, 1901 को दो पर्सन को नोबेल प्राइज दिया गया था, जैसे थे फ्रेडरिक पैसी और हेनरी दुतांत। ठीक है, ये दो पर्सन थे जिनको पीस की फील्ड में जी नोबेल प्राइज दिया गया था, इन्होंने दोनों ने शेयर किया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, पहला नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स की फील्ड में कब दिया गया, मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले जो नोबेल प्राइज दिए गए थे वो 1901 से स्टार्ट हुए थे, मगर इकोनॉमिक्स के अंदर जो नोबेल प्राइज दिया गया था वो 1969 से स्टार्ट हुआ था, ये आपको याद रखनी है। तो पहला नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स फील्ड में किसको दिया गया था, रगनार फ्रिस्क को, डेविड कार्ड को, रिचर्ड थेलर को या नानातीस। सो आंसर आपका जहाँ पे ए बनेगा। ठीक है, तो रगनार फ्रिस्क इसका राइट आंसर है,
तो इनको इकोनॉमिक्स फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया था 1969 के दौरान, ठीक है। तो जो आप देख सकते हैं 1969, ठीक है, रगनार फिल्स को दिया गया था एंड जैन टिनबर्गन, ठीक है, फॉर हैविंग डेवलप्ड एंड अप्लाइड डायनेमिक मॉडल्स फॉर द एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक प्रोसेस। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए 2023 की, तो पहले जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए ये आपकी स्टैटिक का पार्ट था, आज अब जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये आपके 2023 के नोबेल प्राइज, ठीक है। तो 2023 के नोबेल प्राइज के अंदर हम बात करेंगे फिजिक्स के अंदर जो है नोबेल प्राइज किसको मिला है, पेरी एगोस्टिनी को, फेरनिक क्रोसोज को, एनी हुलियर को, या ऑल ऑफ दिस। तो आप सभी जानते हैं इन तीनों पर्सन को जो है इस फिजिक्स फील्ड में जो नोबेल प्राइज दिया गया था 2023 के अंदर। सो आंसर आपका क्या बनेगा, डी बनेगा, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर है, आंसर डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपने बताना है केमिस्ट्री की फील्ड में जो है 2023 के अंदर जो नोबेल प्राइज दिया गया था इसमें से कौन से पर्सन है, ठीक है, मोंकी जी वेंडी, लुइस ई ब्रोस, या एलेक्सी इक्यूमोव, या ऑल ऑफ दिस। तो मैं आपको अगेन बताना चाहूंगा इन तीनों पर्सन को केमिस्ट्री की फील्ड में जो है नोबेल प्राइज दिया गया था 2023 के अंदर, और आंसर आपका डी बनेगा, डी यानी कि यहाँ पे आंसर डी बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये काफी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है नोबेल प्राइज इन मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2023 के अंदर मेडिसिन या फिजियोलॉजी के अंदर जो नोबेल प्राइज किसको मिला है, कैटेलिना कैरी को, ड्रू वेस्मैन को, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। तो आप सभी जानते हैं कैटेलिन कैरी को और ड्रू वेस्मैन को जो नोबेल प्राइज मिला है 2023 के अंदर मेडिसिन का, और इसका आंसर क्या बनेगा, बोथ ए एंड बी। सो आंसर आपका बनेगा सी, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करेंगे विच पर्सन अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2023 के अंदर, लिटरेचर के अंदर जो है नोबेल प्राइज किसको मिला है, जॉन फोस को, अमर्त्य सेन को, बॉब डायलन को, या नन ऑफ दिस। सो आप सभी जानते हैं जॉन फोस इसका राइट आंसर है, आंसर ए बनेगा, ठीक है। तो इनको जो है नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर की फील्ड में। नेक्स्ट बात करेंगे विच पर्सन अवार्डेड नोबेल प्राइज इन पीस 2023 के अंदर जो नोबेल प्राइज पीस के अंदर दिया गया है ये किसको दिया गया है, नरगिस मोहम्मदी को, अरंडेल क्रेमियर को, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। सो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा आपका, आंसर यहाँ पे ई बनेगा, ठीक है। तो नरगिस मोहम्मदी को जो नोबेल प्राइज दिया गया है ये पीस की फील्ड में दिया गया है 2023 के अंदर। नेक्स्ट बात करेंगे विच पर्सन अवार्डेड नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के अंदर जो नोबेल प्राइज दिया गया था 2023 के अंदर जो अभी दिया गया है ये किसको मिला है, अमर्त्य सेन को, क्लोदिया गोल्डिन को, बोथ ए एंड बी, या गैरी बेकर को। सो आंसर आपका बनेगा यहाँ पे आंसर बी, ठीक है, आंसर बी यानी कि क्लोदिया गोल्डिन, ये इनको नोबेल प्राइज मिला है इकोनॉमिक्स फील्ड में 2023 के अंदर। अब यहाँ पे कुछ नोबेल प्राइज विनर हैं इंडिया के, इसको हम डिस्कस करेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर को लिटरेचर की फील्ड में दिया गया था 1913 को, 1930 को मिला था रमन सी वी रमन को, ठीक है, रमन फैक्ट की वजह से फिजिक्स में इनको जो नोबेल प्राइज मिला था। हरगोविंद खुराना मेडिसिन की फील्ड में इनको 1968 के दौरान दिया गया। मदर टेरेसा को पीस की फील्ड में दिया गया 1979 के दौरान। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर इनको फिजिक्स के अंदर 1983 को मिला। अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स की फील्ड में मिला 1999। और उसके बाद बात करेंगे बी रामाकृष्ण की बात करें तो उनको केमिस्ट्री के अंदर 2009 में मिला। और कैलाश सत्यार्थी को पीस की फील्ड में जो नोबेल प्राइज दिया गया ये 2014 के अंदर दिया गया। अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया इंडिया के पहले पर्सन थे जिनको नोबेल प्राइज दिया गया, सो आंसर आपका क्या बनेगा, यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर, उनको लिटरेचर की फील्ड में दिया गया था, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स की फील्ड में जो नोबेल प्राइज मिला है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ईयर कौन सा था और पर्सन का नाम बताइए जिनको इकोनॉमिक्स की फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया था। आप किसकी बात कर रहे हैं, हम इंडिया की बात कर रहे हैं। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा शॉर्ट सा वीडियो, इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किए नोबेल प्राइज विनर 2023। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर।